नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियम 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में SI बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखिए
की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्य से मिलता है और जो पायल पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियम 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्य से मिलता है, जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर
देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियम 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश
पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखिए की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है और जो पायल पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता,
आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्टर रंजीत तिवारी ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्टर रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी
आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियम 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में SI बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, और जो पायल
पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस Hotstar पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस Hotstar पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस Hotstar पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस Hotstar पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता,
आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर
बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियम 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा।
2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली। इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में SI बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस Hotstar पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस Hotstar पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस Hotstar पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस Hotstar पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस Hotstar पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में SI बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है। और जो पायल
पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह जो खुद एक पुलिस अधिकारी है की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्टर रंजीत तिवारी ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्टर रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियम 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में SI बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर
देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश
पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता और जो पायल पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता,
आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्टर रंजीत तिवारी ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्टर रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेरे में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए।
यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भैरवी में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में SI बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कठपुतली मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थ्रिलर मिजिस्ट्री मूवी कठपुतली, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी को 54% गूगल यूजर्स की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार, राकुल प्रीत सिंह, सुहानी सेठी, चंद्रसूर सिंह, सरगुन मेहता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 14 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी की कहानी, फिल्म का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया गया था। 15 वर्षीय छात्रा समीक्षा की लाश बरामद हुई है, जिसके भेर में से हत्या कर दी गई है। अर्जुन सेठी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता है, जो मनोरोगियों का एक फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म निर्माताओं ने कई बार अस्वीकृतियों और अपने परिवार के दबाव के बाद अपने बहनोई निरिंदर सिंह, जो खुद एक पुलिस अधिकारी है, की मदद से हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाते हैं। हालांकि अर्जुन के पास एक महत्वपूर्ण रेक है, लेकिन पुलिस के अनुभव की कमी के कारण उसके साथ नौसिखे की तरह व्यवहार किया जाता है। वह अपनी बहन सीम नरेंद्र को अपनी बेटी पायल के साथ रहने लगता है। पायल स्कूल में मुसीबत में पड़ जाती है और वो अर्जुन से मदद मांगती है, इसलिए वह स्कूल में उसकी शिक्षिका दिव्या से मिलता है, और जो पायल के पिता के रूम में पेश आती है। हालांकि जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाता है और वह दिव्या की सुनने और बोलने में अक्षम भतीजी इति से भी दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कठपुतली मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप स्टार गोल्ड के टेलीविजन चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।